आप देख रहे हैं टाइम्स और भारत में हूं आपके साथ नैना यादव। तो बात करेंगे पंजाब की सियासत की, जहां पर लगातार घमासन चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में जो तनातनी है, उसके बीच में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर उन्हें फैसले लेने से रोका गया तो ठीक नहीं होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो पंजाब के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो पंजाब है वो अगले 20 सालों तक पंजाब में मजबूत बना रहे। और लेकिन फैसला लेने से रोका गया तो वो सही नहीं होगा, ये सीधे सीधे धमकी से कहा जाए। बहुत तल्ख अंदाज में नवजोत सिंह सिद्धू ने संदेश दिया है कि फैसला लेने से रोका तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्या कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का, सुनिए। मैं हाईकमांड नूं इक्को गल कह गया हां कि जे मैं इस पंजाब मॉडल दे उत्ते इन्हां लोकां दीआं आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दऊंगा। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैणा होगे ते फिर मैं इक ना इक भी खत्म तो निर्णय दसवीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस जी मन है, मैं अब फिर तुम कह रहा कि अपनिया पॉलिसियां तुसी कठिया करके। मैं हाईकमांड नूं इक्को गल कह गया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीआं आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दऊंगा। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैणा होगे ते फिर मैं इक ना इक भी खत्म क्योंकि निर्णय लैण तों बिना दसवीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस जिहड़ी तुहाडे मन दे विच है, मैं अज फिर तुहानूं कह रहा कि अपनियां पॉलिसियां तुसीं कठियां करके। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने खुली धमकी दी है, खुली धमकी इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो उनका अंदाज है उन्होंने आलाकमान के लिए कहा है। उनका कहना है कि आलाकमान से मैंने स्पष्ट किया है कि मैं अपनी जो लोगों की उम्मीद है उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर खरा नहीं उतरा तो 20 साल तक राजनीति से दूरी बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर फैसला लेने की अगर उन्हें इस तरह से आजादी नहीं, अगर वो फैसला लेने से उन्हें रोका गया तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। सवाल ये कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू के मन में क्या है, नवजोत सिंह सिद्धू सुनते किसकी हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू की धमकी कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए है या फिर दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं के लिए है? क्योंकि जो अंदाज है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ या फिर नवजोत सिंह सिद्धू का यह अंदाज, यह बहुत कुछ कहता है। एक तरफ डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कल उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को खाने पर बुलाया, लेकिन इस खाने के जरिए, इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए संदेश देने की कोशिश की थी। उसके बाद में नवजोत सिंह सिद्धू का यह अंदाज बहुत कुछ कहता है। पंजाब प्रभारी, कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश रावत का क्या कहना है सिद्धू के बयान पर, वो सुनिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको फैसले लेने की आजादी नहीं मिलेगी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। वो पार्टी का ईंट से ईंट बजा देंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बजा देंगे, किसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? मैं अपनी पार्टी अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया कि सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट होगी? सर वो आजादी किससे मांग रहे हैं सर? वो नहीं, या तो उनको फैसले लेने की आजादी आप लोग नहीं दे रहे हैं। किसने कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है, जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं, और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है।
हरीश रावत बहुत ही नपे तुबले शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले किस संदर्भ में कहा गया ये समझा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी प्रेसिडेंट को, अगर प्रदेश प्रभारी को या फिर प्रदेश अध्यक्ष को अगर निर्णय लेने की आजादी नहीं होगी तो किसे होगी? कोई नहीं रोक रहा है नवजोत सिंह सिद्धू को, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू का ये अंदाज क्या?